अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आज बनाएंगे सैंडविच, बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है, आप ट्राई करिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। हम लिए हरी धनिया धो के डाले हैं, फिर 3 से 4 हरी मिर्च डाले हैं, फिर 4 से 5 लहसुन डाले हैं, फिर आपको थोड़ा सा चाट मसाला डालना होगा। चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, फिर 1 आधा चम्मच हम नमक डाले हैं, फिर 1/2 चम्मच शक्कर डाला है। ये शक्कर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। फिर उसके बाद हमने ये पीस लिया, पीसने के बाद हमें ब्रेड लिए हैं वाइट वाला। आपको ब्राउन भी चाहिए तो आप ब्राउन भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर जो हम ये चटनी बनाए थे ना, वो चटनी चारों तरफ ब्रेड में लगा देंगे अच्छे तरीके से, ये चटनी से अच्छा फ्लेवर आएगा, हमारी सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए अच्छे से इसको लगा लीजिएगा, ये देखिए हम चारों तरफ अच्छे से हम लगा चुके हैं। फिर एक उसमें हम लगाएंगे एक ब्रेड में फिर मक्खन लगाएंगे। मक्खन हम पहले से निकाल के रख लिए थे रूम टेम्परेचर के में, ये देखिए इसको अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि मक्खन लगाने से क्या होता है ना, ब्रेड में बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट, बहुत ही क्रंची होता है। ये देखिए फिर जिसमें हम मक्खन लगाए उसमें थोड़ा सा हम लगा लेंगे केचप, यह देखिए अच्छे से इसको हम चारों तरफ केचप लगा लेंगे अच्छे तरीके से, आपको कर लेना है। फिर इसके बाद हम प्याज काट के रखे थे गोल गोल स्लाइस करके, फिर टमाटर भी हम काट काट के रख लिए थे, वो इसको हमें लगा देना है अच्छे से। बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट बनने वाला है, इसमें आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस पर आपको चीज़ रखना है स्लाइस वाली, ये देखिए इस पर लगा देनी है अच्छे से। अब चीज़ डालने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और इसको आपको इसको बंद कर लेना है, इसके बाद आपको एक पैन लेना है। पैन लेने के बाद धीरे आंच पे एक तरफ हमें क्लोज कर लेना है, फिर उसके बाद हमें इस पर मक्खन लगाना है। जैसे आप मक्खन भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, आपके पास जो है वो आप लगा सकते हैं। एकदम धीरे आंच पे इसको हमें सेकना है इस तरीके से, तरीके से आप भी करिएगा। और उसके बाद आप पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ हमको लगा देना है। बहुत ही क्रंची होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए एक बार। बहुत ही अच्छी झटपट पे बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। और नए हैं इस चैनल पे, अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।